हेलो, मैं उदय डागर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखो, अभी क्लर्क भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका जो सिलेक्शन है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो मेरा चैनल है या फिर जो मेरा ग्रुप है, मैंने उस पर फोटो भी डाली थी कि उनका जो सिलेक्शन है ना, बिना इंग्लिश और मैथ के सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल देखो, वो ज़रूर है एक दो क्वेश्चन ठीक किए इंग्लिश और मैथ में, लेकिन बिल्कुल भी उनका कमज़ोर था जो मैथ और इंग्लिश है, लेकिन उसके बाद भी जीके के दम पर उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन तरीका पढ़ने का ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, केवल स्मार्ट वर्क करें, वो ही पढ़े जो एग्ज़ाम में आए। देखो, हमने आपके लिए पेड बैच भी चलाए, उसकी बात तो मैं नहीं करूँगा। स्क्रीन पर नंबर अगर किसी भाई को चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। पहले आप ना ये वीडियो देखें और वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो आपको प्लस कर सकते हैं एग्जाम में। अगर किसी भाई का मैथ और इंग्लिश वीक है तो इन प्रश्नों को हम सिलेक्टेड प्रश्न कह सकते हैं, या फिर यहाँ से एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे गए, या फिर यहाँ से आने की पूरी संभावना है। तो मैं इस वीडियो में आपके 30+ प्रश्न कराऊंगा। सारे प्रश्न अच्छे हैं और मैं कह सकता हूँ इन प्रश्नों के चांस है एग्जाम में आने के। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि कुछ प्रश्न आपको कहीं भी किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और हमेशा की तरह हम आपके लिए अब डेली एक टॉपिक लेकर आएंगे और कुछ ना कुछ अलग जरूर कराएंगे, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, पहले आप यहाँ से देखें, हरियाणा में घोड़ों का मेला। देखो, हरियाणा में घोड़ों का मेला कहाँ पर लगता है? देख, पशुओं का मेला तो आपको पता है, जहाजगढ़ एक स्थान है, झज्जर में वहाँ लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, घोड़ों का मेला भी कहाँ लगता है? बेरी स्थान है। कौन सा स्थान है? बेरी। और बेरी आपका कहाँ पड़ता है? ये भी आपका झज्जर में है। नोट कर ले, नया प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। अगला प्रश्न जो संभावना बन सकती है, जो प्रोबेबिलिटी बन सकती है एग्जाम में आने की, हॉटमेल कंपनी का संस्थापक कौन है? तो ये बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जो हॉटमेल कंपनी के जो संस्थापक हैं वो साबिर भाटिया। कौन है? साबिर, जी हाँ, जो है वो आपके हैं सबीर भाटिया, सॉरी, कौन है? सबीर भाटिया है। कौन है? सबीर भाटिया है। और इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है चंडीगढ़ से। नोट करें, ये कहाँ से है? चंडीगढ़ से है। अगला प्रश्न जो बन सकता है, देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है, देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर भी आपका कौन सा है? ये क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था, जिस भर्ती का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो ये कौन सा है? चंडीगढ़ है। और मैं आपको बता दूँ, ये कब धूम्रपान रहित हो गया था? 2008 में। कब हो गया था? 2008 में। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ी सी गर्मी है, मेरे पास सुविधा नहीं है जो फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन पढ़ने का तरीका ठीक होना चाहिए। फैसिलिटी कोई मान्यता, मतलब कोई मायने नहीं रखती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चंडीगढ़ पंजाब को देने की पेशकश कब की गई? तो मैं आपको बता दूं, एक समय ऐसा था जब विद्रोह हो रहे थे बार बार, तो चंडीगढ़ को, जो पंजाब को देने की पेशकश कर दी गई, तो वो कर दी गई थी आपकी 29 जनवरी 1970। नोट कर ले, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कब की गई? 29 जनवरी 1970। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ पर है? तो ये भी आपका कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। देश का केंद्रीय जो वैज्ञानिक उपकरण संगठन है, ये आपका कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि अच्छा पढ़ें, बिल्कुल वो ही पढ़ें जो दूसरे कैंडिडेट से आपको, जो दूसरे कैंडिडेट से आपको आगे कर सकता है। मतलब कि पढ़ने का तरीका बदलें, सोचना बदलें बिल्कुल भी। मुजारा आंदोलन से संबंध किसका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुजारा आंदोलन से किसका संबंध है? चौधरी देवीलाल का। किसका है? चौधरी देवीलाल का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। इन्होंने ही बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट की थी 1987 में, तो मैं कह सकता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों ही नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा में जो राज्य बिजली बोर्ड की जो स्थापना, वो आपकी कब कर दी गई? 3 मई 1967। कब कर दी गई? 3 मई 1967 को इसकी स्थापना कर दी गई। तो अच्छे प्रश्न है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे। बड़ी मेहनत होती है, बड़ा समय बर्बाद होता है आपकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। जैसे क्लर्क भर्ती में सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, ऐसे ही आने वाली जो भर्ती उनमें सिलेक्शन होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का मैंने करा दिया। अगला देखते हैं, बम लहरी गाने का गायक कौन है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था, बम लहरी गाने का गायक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है, महावीर गुड्डू। कौन है? महावीर गुड्डू। और ये आपके कहाँ से हैं? तो मैं आपको बता दूँ, ये महावीर गुड्डू है जो आपके जींद से हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? जींद से इनका संबंध है। तो एक प्रश्न और बताता हूँ मैं आपको, प्रश्न आता है हरियाणा का हृदय। देखो, हरियाणा का हृदय तो कहते हैं जींद को, सभी जानते हैं। हरियाणा का हृदय कौन सा स्थान है? जींद है। और
जींद का हृदय बता रहा हूँ, नोट कर लेना। जींद का हृदय कौन सा है? रानी का तालाब। रानी का तालाब, जींद का हृदय कौन सा है? रानी का तालाब। तो इस प्रश्न की संभावना बन सकती है, क्योंकि कुछ प्रश्न हर एग्जाम में नए देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य अक्षय ऊर्जा भवन कहाँ पर स्थापित है? आपका पानीपत में। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है? पानीपत में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे जब संविधान लागू हुआ उस समय कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, नोट कर लेना। एरिक बेस्टेन। कौन थे? एरिक बेस्टेन। कब की बात कर रहे हैं? जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय कौन थे मुख्य न्यायाधीश? एरिक बेस्टेन। और 17 जनवरी 1955, कब? 17 जनवरी 1955 को जो आपका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया था। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, क्लर्क के एग्जाम में। और जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है जो इसकी स्थापना है वो भी मैं आपको बता दूं, 1915 कौन सा अधिनियम था? 1915 भारत सरकार अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और शुरू में इसका जो नाम था लाहौर उच्च न्यायालय था। कौन सा? क्या नाम था? लाहौर उच्च न्यायालय था, जो बाद में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया गया। तो इसकी जो पहली शाखा थी वो भी मैं आपको बता दूं, वो इसकी झज्जर में खुली थी। कब खुली थी? झज्जर में खुली थी। इसकी प्रथम शाखा कब खुली थी? 1919 में। ये भी नोट कर लें। तो कुछ और प्रश्न कवर कराता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले अगर किसी भाई को दिक्कत है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, आगे भी कुछ प्रश्न कवर कराऊंगा। वीडियो के साथ बने रहे एक बार, और भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। चैनल छोड़कर ना जाएं। और प्लीज़ अगर किसी भाई को पेड बैच चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर है, हम वहाँ पर ऐसे ही प्रश्न कवर कराते हैं जिनकी एग्जाम में पूरी पूरी संभावना है। तो वीडियो के साथ बने रहें, थोड़ा सा धैर्य रखें। तो अब मैं कुछ और प्रश्न देखता हूँ जो आपके लिए लेकर आया हूँ, वो भी अच्छे प्रश्न है। एक प्रश्न आता है, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना हरियाणा में कहाँ पर की गई है? उद्यान बोर्ड की स्थापना हरियाणा में कहाँ पर की गई है? जी आपकी स्थापना की गई है बलदान गाँव है। कौन सा गाँव है? बलदान गाँव है। और ये बलदान गाँव आपका कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में। नोट कर लें, बलदान गाँव कहाँ पर है? गुरुग्राम में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध धरेडू गाँव, एक धरेडू गाँव है, कौन सा गाँव है? प्रसिद्ध धरेडू गाँव को किस नाम से जानते हैं? देखो धरेडू गाँव ये आपका कहाँ पर है? कैथल में है। मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, ये गाँव कहाँ पर है? कैथल में है। और इसे छोटी इटली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? छोटी इटली। या फिर प्रश्न आ सकता है, छोटी इटली किसको कहते हैं? धरेडू गाँव को। या प्रश्न आ सकता है सीधा, छोटी इटली से किस जिले का संबंध है? कैथल से। तो नोट कर लें, ये भी नहीं मिल सकता तो सीधा कैथल भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवग्रह कुंड तीर्थ स्थल को आम जनता के लिए कब खोला गया? देखो नवग्रह कुंड, नव जो ग्रह कुंड है इसे आम जनता के लिए कब खोला गया? पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका नवग्रह कुंड है, ये आपका कहाँ पर है? कैथल में है। और इसे आम जनता के लिए किसने खोला था? उस समय सरकार किसकी थी? देवीलाल की। और मैं बात कर रहा हूँ कब की? 1987 की। कब खोला गया? 1987 में खोला गया, आम जनता के लिए, दर्शन के लिए। और सरकार किसकी थी? देवीलाल की। नोट कर ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न के साथ तीन प्रश्न कवर करा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 रुद्री शिव मंदिर कितना पुराना है? एक है 11 रुद्री शिव मंदिर, तो ये पूछा गया है एग्जाम में प्रश्न, 11 रुद्री जो शिव मंदिर है ये कितने वर्ष पुराना है? तो ये भी आपका 250 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? 250 वर्ष पुराना है। और ये आपका कहाँ पर है? कैथल में है। तो मैं वो प्रश्न करा रहा हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ऐसे प्रश्न आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे। तो यही हमारी खासियत है, तभी बच्चों का सिलेक्शन होता है। और जो बच्चे एग्जाम देख कर आते हैं ना, वो बाद में ये बोलते हैं कि सर पता नहीं कहाँ से प्रश्न आ गए हरियाणा जीके के, हमने तो ये प्रश्न देखे ही नहीं है। भाई देखेंगे कहाँ से? आपने वही पढ़ा ना, घिसा पिटा जो एग्जाम में बार बार थोड़ा बहुत पूछ लिया, अलग से जो नया आता है वो आप करते नहीं है। अगर आपको नया ही चाहिए ना, तो आप पेड बैच ज्वाइन करें, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मेरे पास ना 1000 क्वेश्चन है, 1000 जिनकी संभावना है, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आए। वो क्वेश्चन है 1000 जहां से आपको दूसरे कैंडिडेट से प्लस कर सकते हैं। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करेंगे तो सारे प्रश्न आपको वहां पर कवर करा दिए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, लेकिन यहां पर भी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचकुला का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचकुला। जी हाँ, किसका? पंचकुला का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? पंचकुला का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है हाशी अभिलेख। किस में मिलता है? हाशी अभिलेख।
तो एक और प्रश्न आता है, वो भी मैं आपको बता दूं, हाशी अभिलेख तो ये मैंने करा दिया। एक प्रश्न आता है, पिंजौर से किस राजा का संबंध था? पिंजौर कहाँ है आपका? पंचकुला में। तो राजा पूछ लिया था विराट राजा, कौन से राजा थे? विराट राजा का संबंध था। तो प्रश्न आता है, विराट राजा ने किस शहर को बसाया था? एक प्रकार से पिंजौर को बसाया था, इंपॉर्टेंट है। एक और प्रश्न यहाँ से बता रहा हूँ, पिंजौर में जो कि आपका क्या लगता है, आमों का मेला लगता है। क्या लगता है? आमों का मेला लगता है, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? 1991-92 में। नोट कर ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, मुझे याद आ गया तो मैंने आपको करा दिया। लेकिन आम सबसे अधिक आपके कहाँ पर होते हैं? अंबाला में। आम सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं? अंबाला में। नोट करें, अच्छा प्रश्न है। आगे कुछ और प्रश्न कवर करा रहा हूँ, वीडियो के साथ बने रहें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। तरीका बदलें, सोच न बदलें, नौकरी लेनी है अब की बार, सिलेक्शन लेना है, बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, फलों की खेती सबसे अधिक किस जिले में होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो प्रश्न यहाँ से कवर कराऊंगा। फलों की खेती, किसकी खेती? फलों की खेती सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पर होती है? ये आपकी होती है पंचकुला में। कहाँ होती है? पंचकुला में। राइटिंग पर ध्यान नहीं देना, मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है, लेकिन मैं आपको बार बार चिल्ला कर बता रहा हूँ। एक प्रकार से मेरी उम्मीद ये है कि जो स्टूडेंट हैं, जो भी कैंडिडेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या कोई हमारी बहन है या फिर हमारा भाई है, उसमें जोश होना चाहिए एग्जाम के लिए, जोश बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए, तभी सिलेक्शन होता है। और जिस भाई ने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, वो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, सिलेक्शन पक्का निकलेगा। कौन कहता सिलेक्शन नहीं होता? हम कहते हैं इंग्लिश और मैथ के बिना भी सिलेक्शन होता है, अगर आपने ठीक ढंग से तरीके से अच्छे से जीके की होगी तो। अगला प्रश्न देखते हैं, तो फलों की खेती सबसे अधिक पंचकुला में होती है, और फल जो आपके खट्टे फल हैं, जो सबसे अधिक खट्टे फल हैं, वो आपके कहाँ पर मिलते हैं? सिरसा में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? सिरसा में मिलते हैं। एक प्रश्न एग्जाम में नया प्रश्न पूछा गया था, अमरूद क्या है? अमरूद प्रदर्शन केंद्र, प्रजनन नहीं है, प्रदर्शन के नाम से आएगा। अमरूद प्रदर्शन केंद्र आपका कहाँ पर है? ये आपका फतेहाबाद में है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फतेहाबाद में है। और फतेहाबाद में कौन सा स्थान है? भूना स्थान है। नोट कर लें, नोट्स बना लें अगर किसी भाई ने नहीं बनाए तो साथ के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में अनाज बैंक की स्थापना कब की गई? अनाज बैंक की, जी हाँ, अनाज बैंक की स्थापना, अनाज बैंक की स्थापना हरियाणा में कब की गई? अनाज बैंक की स्थापना हरियाणा में कब की गई? तो इसकी जो सही आंसर है, 17 अप्रैल। कब? 17 अप्रैल 2016 में स्थापना की गई। देखो, पानी से अनाज उगता है, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, पानी से अनाज उगता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, पैसे पानीपत। क्या आंसर होगा? पानीपत। नोट करें अगला। और देखो, अनाज बैंक ये भी बता देता हूँ, अनाज बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई है? पानीपत में। तो अनाज बैंक यहीं पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे पानीपत युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तीसरे पानीपत के युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देवी तालाब का शिव मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर। कौन सा आंसर होगा? देवी तालाब का शिव मंदिर। थोड़ा सा धैर्य बनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, युद्ध संग्रहालय कहाँ पर है हरियाणा में? तो इसका जो राइट आंसर होगा, रेवाड़ी। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है? रेवाड़ी। देखो, प्रश्न चार आते हैं, युद्ध में प्रश्न आ जाए, युद्ध में वीरों की भूमि, वीरों की भूमि, युद्ध में वीरों की भूमि, ध्यान देना भाई, युद्ध में वीरों की भूमि या शहीदों की भूमि? आंसर होगा भिवानी। क्या होगा? भिवानी। प्रश्न आ जाए, शहीदों का शहर, प्रश्न आ जाए, शहीदों का शहर तिगाम है, कौन सा है? तिगाम। और तिगाम आपका कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद। नोट कर ले भाई। एक आए वीरों की भूमि, वीरों की भूमि, तो इसका जो राइट आंसर होगा, वीरों की भूमि, इसका होगा रेवाड़ी। तो ये तीन प्रश्न, एक प्रश्न मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक और प्रश्न है, उसे हम आगे करेंगे जब आपका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अगला प्रश्न है, एक रामगढ़ कैसा स्थल है? एक प्रश्न आता है रामगढ़, इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत ही प्रश्न आते हैं। रामगढ़ कैसा स्थान है? कैसा स्थान है? तो ये हड़प्पाकालीन स्थान है। कौन सा? हड़प्पाकालीन स्थान है। कौन सा स्थान, किसकी बात करें हम? रामगढ़ कैसा स्थान है? हड़प्पाकालीन स्थान है। और ये आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में। कहाँ पर है? फतेहाबाद। देखो, फतेहाबाद में कुनाल है, बनावली है, ये तो आपने पढ़े होंगे, लेकिन रामगढ़ नहीं पढ़ा होगा, ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं। नोट कर ले भाई सभी। कुछ प्रश्न और देखता हूँ, अगर क्लियरिटी नहीं है तो आप मेरी आवाज़ पर ध्यान दें, बहुत कुछ प्रश्न कवर करा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। अगला प्रश्न देखते हैं,
सूखा राहत योजना का संबंध किससे है? सूखा राहत योजना थी एक, सूखा राहत, कौन सी? सूखा राहत योजना। सूखा राहत योजना का संबंध किससे है? सूखा राहत योजना का संबंध किससे? नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना, नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना से। किससे है? नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना से। इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, पांच मंजिला इमारत किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है, पांच मंजिला इमारत किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, देखो सभी जानते हैं तो इसका जो राइट आंसर है, आपने प्रश्न पढ़ा लेकिन ये नहीं पता, इसे आप किस नाम से भी जान सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, बीरबल का छत्ता। किसे बोलते हैं? बीरबल का छत्ता। और ये इजी प्रश्न है, सभी जानते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे कहाँ पर है कमेंट करके हमें। अगला प्रश्न देखते हैं, एक गांव है भाई, इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक गांव है कनीना। कौन सा गांव है? कनीना गांव है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, कनीना गांव है, इसकी खासियत बताएंगे हम। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका? महेंद्रगढ़ में। और ये किस शताब्दी का गांव है? 13वीं शताब्दी का है भाई, नोट कर लें, किस शताब्दी का गांव है? 13वीं शताब्दी का है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो बस आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न है, और उम्मीद करता हूँ मैंने करीब करीब 40 से ज़्यादा ही प्रश्न कराए होंगे, और समय भी मैंने आपका ज़्यादा नहीं लिया। अगर किसी भाई को पेड बैच चाहिए तो सामने नंबर है, यहाँ से पेड बैच स्टार्ट हुए हैं, सेकंड बैच हमने अभी स्टार्ट किया, वो आपको मिल जाएगा। फीस भी इसकी ज़्यादा नहीं है, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा, जीके के दम पर सिलेक्शन होता है, सोच बदले, तरीका ना बदलें पढ़ने की, अपने जो तरीका बदलें, सोच ना बदलें नौकरी लेने की। तो बस मैं यही कहूँगा, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। सिलेक्टेड पर्सन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ से एग्जाम में पर्सन आएंगे। अगर किसी भाई ने इस वीडियो को ढंग से देखा होगा तो उसके एक या दो नंबर जरूर प्लस होंगे अदर कैंडिडेट से। तो बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।